हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। तो सबसे बड़ी अपडेट है माय टीम 11 की तरफ से। तो अगर आप माय टीम 11 नहीं खेलते, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और रिफर कोड देकर आप ज्वाइन हो जाओगे। आपको 100 रुपीज़ का कैश बोनस मिलेगा और ज़्यादातर आप ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हो। पूरी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और ड्रीम 11 के बाद सेकेंड नाम जो है माय टीम 11 का आता है। तो इन्होंने बहुत ही बड़ी ह्यूज जो है पॉइंट्स सिस्टम में जो है चेंजेस की हुई है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने सिर्फ बॉलर्स के लिए पॉइंट और फील्डर्स और स्टंपिंग और रनआउट के लिए पॉइंट सिस्टम जो है चेंज किया है, ना कि बैट्समैन के लिए। बैट्समैन के लिए इन्होंने तीनों फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स के लिए करे हैं। तो यहाँ पे आपसे आपको जो है 22 पॉइंट मिलेंगे 16 मैच के बाद, और पहले आपको जो है ODI में 16 पॉइंट मिलते थे एक विकेट के लिए, अब जो है आपको 22 पॉइंट मिलेंगे। पहले 3 विकेट अगर कोई बॉलर्स लेता तो आपको बोनस पॉइंट मिलता ही नहीं था, अब आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। वहीं पे 4 विकेट लेने पे पहले 2 मिलता था, अब 4 मिलेंगे, और 5 विकेट लेने में पहले 4 मिलता था, अब 8 मिलेंगे, सही है। वहीं पे कैचिंग के लिए यहाँ पे बदल दिया गया है, पहले अगर कोई प्लेयर कैच करता था तो वहाँ पर आपको जो है 4 पॉइंट मिलते थे, लेकिन अब आपको 6 पॉइंट मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर आपको पहले अगर रनआउट और ये स्टम्पिंग अगर आपके विकेट कीपर करते थे तो यहाँ पे 6 पॉइंट मिलता था, अब आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। वहीं पे सेम जो है T20 में किया गया है, यहाँ पे जो है पहले जो है 14 पॉइंट मिलते थे एक विकेट के लिए, अब यहाँ पे आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। वहीं पे 3 विकेट बाकी सब कुछ जो है यहाँ पे भी सेम है। वहीं पे टेस्ट पे एक अजीब सा चीज़ किया है इन्होंने, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। पहले आपको ज़्यादा पॉइंट देते थे, अब जो आपको कम पॉइंट दे रहे हैं, 15 पॉइंट दे रहे हैं, बाकी सब सेम है। और ODI और T20 में इन्होंने विकेट का पॉइंट सिस्टम बढ़ा दिया है और यहाँ पे टेस्ट पे घटा दिया है। तो एक चीज़ मैं आपको अब बता दूंगा, अब टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग आएंगी माई टीम 11 की तरफ से। अगर आप खेल रहे हो, आप अगर पहले अगर 3 बॉलर्स के साथ जा रहे हो तो अब आपको जो 4 बॉलर्स के साथ जाना ही चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूँ ODI की। अगर कोई बॉलर जो है मिनिमम अगर 2 विकेट भी लेते हैं ना, आपको जो है 24 पॉइंट मिलते हैं। 24 मतलब अगर कोई बैट्समैन लगभग 40 रन करता है तो ही आपको जाके जो यहाँ पे 24 पॉइंट्स मिलेंगे। 40 रन करना बहुत ही बड़ी बात होती है, और 2 विकेट पिक करना उससे जो है आसान होता है मेरे हिसाब से 40 रन करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये जो है पॉइंट सिस्टम जो है इंग्लैंड की पिच को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है, तो इसलिए शायद, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिच है जो भी मैचेस हो रहे हैं। और मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कोई वार्म अप मैच का टीम अपडेट नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई भी वार्म अप मैच मत खेलिए आप। मैंने यहाँ पे ग्रुप में जो है मैंने यहाँ पे सब कुछ शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो मैं हमारा ग्रुप जो है यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा आपको, आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रैंड लीग विनिंग से लेके बहुत ही बड़ी बड़ी टीम यहाँ पे दिया हुआ है, और लगभग 90% लोग मेरे ग्रुप से खुश है जो इनको टीम मिलता है। और एक मैंने ग्रैंड लीग विन किया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद बताने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, अगर आप ये ऑडियो अगर सुनेंगे अगर ग्रुप ज्वाइन होने के, तो मैंने आपको बता दिया आपको जो है इस वार्म अप मैचेस के लिए स्मॉल लीग नहीं खेलना है, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। और जो बाकी ड्रीम 11 का जो पॉइंट अपडेट आया है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। और अभी मैं खुद भी जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ड्रीम 11 से रिलेटेड। लेकिन ये जो माई टीम 11 से अपडेट आया है तो मैं आपको बता दूँ, आप से जो है ज़्यादातर बॉलर्स को ही सजेस्ट कीजिए। अगर कोई विकेट टेकर बॉलर है तो आप मिस मत कीजिए, चाहे कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आपको मिस करना पड़ जाए। पहले मैं आपको बताया था कि ड्रीम माई टीम 11 पे आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन मिस नहीं करना है, लेकिन अब मिस कर सकते हो क्योंकि बॉलर्स को अब ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं, और वन डे में तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब बात कर लेते कुछ और बेसिक चीज़ों की। तो यहाँ पे वार्म अप मैचेस की मैं बात कर रहा था, तो वार्म अप मैचेस पे अब क्या होगा, बहुत सारी टीम बहुत ही अलग तरीके से खेलेंगे। तो अगर आप अपना पैसा जो है डुबाना नहीं चाहते तो आप स्मॉल लीग मत खेलिए, आप ग्रैंड लीग खेल सकते हो, ठीक है। आपको वैसे भी प्लेइंग 11 पे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, सारे प्लेयर अवेलेबल है सिलेक्शन करने के लिए। तो अगर आप इतना ही खेलना चाहते हो तो आप जो है HalaPlay में खेल सकते हो। HalaPlay में आप खेल सकते हो जो है यहाँ पे HalaPlay पे आप जो है खेल सकते हो
रिवर्स टीम जो कि मैं खेलता हूँ, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड कप के लिए जो है वार्म अप मैचेस के लिए यहाँ पे हालाप्ले पे रिवर्स टीम खेलोगे ना, तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा जाके जो कि नॉर्मल फैंटेसी लीग खेलने के लिए। तो हालाप्ले की भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके जो है हालाप्ले भी जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और न्यूज़ अपडेट अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, माई टीम 11 ने जो अपडेट किया है वो सही किया है या गलत। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।